हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं। और आज मैं आपके साथ एक विशेष जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ, किसी न किसी पुस्तक के आधार पर ही बनाता हूँ। और आज मैं आपके साथ एक ऐसी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि झारखंड की स्थानीय डोमिसाइल नीति और 7 अप्रैल 2016 को जिस तरह से लागू की गई है, हम इस पर क्या कुछ कमियाँ हैं। और शायद ये कमियां देख करके शायद आप सबको पता चल जाएगा कि जिस तरह से 1932 खतियान को आधार बनाने के लिए क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया हमारे झारखंड के अंदर में होनी चाहिए, शायद ये चीज़ आप सबको अंदाज हो जाएगा। और आज मैं जिस 7 अप्रैल 2016 को हमारे झारखंड की स्थानीयता साबित करने के लिए डोमिसाइल नीति लाई है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और क्या कुछ कमी है जिसके वजह से इसको रद्द करना पड़ा, ये भी आप समझ आओगे। और आज जिस तरह से 1932 के खतियान की जिस तरह से बात कर रहे हैं, शायद इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे झारखंड के अंदर में 1932 की खतियान को कहाँ कहाँ क्राइटेरिया लागू करनी चाहिए, क्या क्या हमारे चीज़ें इस 1932 खतियान अगर आप मानते हैं या फिर आधार बनानी चाहिए तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये भी आप समझ पाएंगे। और सबसे पहले जब हम देखेंगे तो ये जो झारखंड की स्थानीय नीति 7 अप्रैल 2016 को ये घोषणा की गई थी, और जिस व्यक्ति या उसके पूर्वज जिसका नाम अंतिम सर्वे में जो खतियान में रहे हैं होंगे, यही लोग यहाँ की स्थानीय माने जाएंगे, ये इसका प्रावधान थी। और जो भी भूमि जो इस अधिसूचना की तिथि से लगभग 30 साल पहले या फिर उससे अधिक की इस झारखंड के रह रहे हों, या उनका जन्म झारखंड में हुआ हो और मैट्रिक या फिर समतुल्य की परीक्षा यहीं से की हो, उसे ही स्थानीय कहलाएंगे, इस पर चर्चा हुई थी। और जब भी जो भी भूमिहीन व्यक्ति या फिर जो भी भूमिहीन मूल निवासी के लिए सबसे बड़े महत्व प्रावधान ये दिया गया था कि उसका भाषा, संस्कृति व परंपरा को आधार मान के और ये सभी ग्राम सभा की ओर से पहचान किए जाने पर ही इसका स्थानीय कहलाएंगे, इस पर चर्चा हुई थी। और दूसरा देखते हैं कि झारखंड सरकार की ओर से संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगमों आदि से नियुक्त और कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी या उनके पत्नी या संतान भारत सरकार या झारखंडी कहलाएंगे। आप शायद ये समझना होगा, क्योंकि 2016 में ये कहा गया था कि झारखंड सरकार की ओर से संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों, निगमों आदि में नियुक्त और कार्यरत पदाधिकारी, कर्मचारी या उनकी पत्नी या उनके संतान, ये बहुत बड़ी गलती किया है जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि वही झारखंड के स्थानीय कहलाएंगे, इस पर चर्चा हुई है। और दूसरा देखते हैं कि भारत सरकार के पदाधिकारी या कर्मचारी जो झारखंड में कार्यरत हों या उसकी पत्नी या संतान, वो भी झारखंड के स्थानीय कहलाएंगे। अब जाहिर से समझ सकते हैं, क्योंकि झारखंड भारत सरकार में जो भी पदाधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं वो यहाँ के स्थानीय कैसे हो सकते हैं, सवाल नंबर एक उठता है। अब देखते हैं कि झारखंड में किसी भी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्ति व्यक्ति या उनकी पत्नी तथा संतान, ये भी झारखंड के स्थानीय कहलाएंगे। अब देखते हैं कि 2016 की स्थानीय नीति के अनुसार शेड्यूल एरिया जो कि अनुसूचित जनजाति बहुल जिले के वर्ग 3 एवं 4 के 100% पद पर 10 वर्षों के लिए जिले की स्थानीय निवासी से भरने का फैसला लिया गया। 10 वर्षों के लिए जिले के स्थानीय निवासियों के लिए भरने का फैसला लिया गया, ये 2016 की नीति ये बताती है। अब दूसरा देखते हैं कि 2016 की जो भी स्थानीय नीति वर्णित प्रावधान के आलोक झारखंड में 13 पूर्ण जिले और 2 जिलों के 3 प्रखंड शेड्यूल एरिया के दायरे में आएंगे, 3 प्रखंड शेड्यूल एरिया में आएंगे, ये प्रावधान दी गई थी। और देखते हैं कि 2018 में जो भी भू राजस्व मंत्री अमर कुमार बाहुरी ने ये कहा, उसकी अध्यक्षता में ये कमेटी का गठन किया गया था, और उसी के अनुशंसा पर झारखंड के सभी 24 जिला में 3 एवं 4 के 100% पद पर जिले के स्थानीय निवासी भरने का फैसला लिया गया। अब इसमें गलती क्या है, हम आपको बताने की मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि झारखंड सरकार की ओर से संचालित मान्यता प्राप्त संस्थानों या निगमों में
कार्यरत पदाधिकारी या फिर कोई भी बड़े अधिकारी वही झारखंड के या उनके संतान उनके आने वाले बच्चे ही स्थानीय कहलाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे झारखंड की स्थानीय के साथ कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कहीं दूसरा स्टेट के लोग अगर हमारे झारखंड के अंदर में भारत सरकार के नगर निगम या फिर संस्थानों में कार्यरत करते हैं तो उनका उनको आप यहाँ का स्थानीय यानी कि स्थानीय का मतलब वही है, वही लोग यहाँ के नियोजन नीति नियोजन पे या फिर आरक्षण पर लाभ ले सकते हैं, जाहिर सी बात है। और भी देखते हैं कि झारखंड में किसी भी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्त व्यक्ति या भी झारखंड के अंदर में अगर कोई भी संवैधानिक तरीके से अगर जिसका नियुक्ति हुआ है जिसका पद भार ग्रहण किया हुआ है वो इसका पति पत्नी संतान ही झारखंड के स्थानीय कहलाएंगे। ये कहीं ना कहीं गलत है और ये शेड्यूल आपका ये झारखंड के स्थानीय नीति के साथ कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। और हमें लगता है कि यदि भी कोई भी आधिकारिक बच्चे बच्चे या फिर इस झारखंड का स्थानीय अगर जिसका नियुक्ति है जिसका जॉब लगा है जो नौकरी करता हो उसका स्थानीय आप कैसे ला सकते हैं, ये हमें सोचने वाली बात है। और आगे हम आपको बता दें कि जब भी 2016 की स्थानीय नीति तय होने से हमारे झारखंड के जितने भी अनुसूची बहुल इलाके में लगभग 3 और 4% 10 वर्षों के लिए जिले के लिए स्थानीय नियोजन को उभारने का फैसला लिया गया था। ये भी बहुत बड़ी गलती है क्योंकि जब झारखंड की स्थानीय जब का पद ही ना मिला हो और इससे अन्य लोगों से उभारने का फैसला कैसे हो सकती है, ये भी हमें सोचने वाली और समझने वाली बात है। जहाँ तक हमें लगा कि आप सबको ये बात समझ में आ गया होगा कि मैंने जिस चीज़ को मैंने बताने की मैंने प्रयास किया है और ये कहीं ना कहीं हमें देखने और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड के अंदर में स्थानीयता की जिस तरह से परिभाषित अगर हम आज करते हैं तो कहीं ना कहीं इसे हमें ध्यान और समझने की आवश्यकता है। और ये 24 जिले जहां तक हमें लगता है कि शेड्यूल एरिया में जहां तक 2016 की जो स्थानीय नीति लाई गई थी इसमें 13 जिला को पूर्ण रूप से 13 जिला और 2 जिलों के प्रखंड को भी शेड्यूल एरिया के दायरे में रखे गए हैं। और आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो झारखंड में 18 जिला शेड्यूल एरिया के अंतर्गत में आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड की स्थानीय तक तय करने के लिए इस ऐसे चीज़ों का हमें ध्यान और समझने की आवश्यकता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगे हमारा इस उभरता झारखंड में, आगे की तमाम छोटी बड़ी जानकारी के साथ मैं आपको अवगत कराऊँगा। देखते रहिए उभरता झारखंड।